हाय, आई हैव कैट। हाँ, तो एक फाइनल रिवीजन, एक फाइनल शॉट मारते हैं एक साथ। जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर लेते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इन दिस वीडियो इज सिर्फ इस वीडियो को देखना नहीं है, साथ साथ बोलते जाओ और साथ साथ रजिस्टर करते जाओ। और इन टॉपिक के अलावा भी जो चीजें आपको मैं बता रही हूँ, 360 डिग्री रिविजन आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? नो डाउट आई प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ, बट यार सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से चीजें याद नहीं रहने वाली है, ठीक है? ओके, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ओके, बिफोर वी स्टार्ट द जीके टॉपिक्स, हियर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। एक रियलिटी चेक हो जाएगा कि आपको रीजनिंग की जरूरत है, यानी प्रैक्टिस करने की, है ना? क्योंकि रीजनिंग एक बहुत बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन रह जाता है आपका। एंड आप घर बैठ के तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, बट व्हाट हैपेंस इन द एग्जाम इज, एग्जाम में आपके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, टाइम मैनेज करना एंड 100 चीजें एक साथ चल रही होती है। उस हालात में आपके दिमाग की रीजनिंग कैसी है, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है? तो एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो ये है। रावी इज सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर। यहाँ पे वीडियो पॉज कर देना और खुद एक बार सॉल्व करना, ठीक है? फिर देखना कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि गलती कहाँ हो रही है। चलो ठीक है, रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर, ठीक है? एक इसको पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर रवि को उसमें फिट करेंगे। अमन जो है, अमन्स फादर्स सिस्टर, मतलब यहाँ पे है हमारा अमन, है ना? ये हो गया अमन, अमन्स फादर, फादर में सिर्फ एफ लिख देते हैं, और उसकी सिस्टर, ठीक है? यहाँ पे हम सिस्टर ऐसे लिख देते हैं। और रवि जो है वो बेटा है अमन के फादर के सिस्टर का। ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डायग्रामेटिक तरीके से चलोगे तो चीजें इजी लगेंगी। सिस्टर का बेटा है रवि, ठीक है? रवि फिट हो गया, फाइन। आगे बढ़ते हैं। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, दिव्या का जिक्र आया है। दिव्या कौन है? दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव, गौरव का भी कहीं जिक्र नहीं है, बट ग्रैंड मदर ऑफ अमन, अमन यहाँ है तो इसके रेस्पेक्ट में हम दिव्या को फिट करते हैं। दिव्या ग्रैंड मदर है अमन की, ठीक है? इसकी ग्रैंड मदर है दिव्या, ऑल राइट, ठीक है? मतलब, और ये मदर है गौरव की, मतलब मदर है गौरव की, मतलब ये जो फादर है, फादर का नाम गौरव है ना? फादर का नाम गौरव है, बात समझ आ गई? तभी ये जनरेशन फिट बैठ रही है। अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। ग्रैंड फादर ऑफ रवि कौन है? अशोक, है ना? ओके, और ये फादर किसका है? ये फादर है तान्या का, मतलब ये सिस्टर जो थी उसका नाम तान्या है ना? ओके, एक और क्लैरिफिकेशन दे दिया है, दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, तो कहने का मतलब क्या है कि एक कपल है, हस्बैंड इज अशोक, वाइफ इज दिव्या, उनके दो बच्चे हैं गौरव और तान्या, और गौरव का बेटा है अमन, तान्या का बेटा है रवि, है ना? गौरव और तान्या यहाँ पे भाई बहन हो जाते हैं, है ना? बात समझ आ गई? ओके, अब क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो। हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तान्या? अभी मैंने बोला गौरव और तान्या दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, तो गौरव की अगर वाइफ होगी, तान्या उसे क्या बुलाएगी? सिस्टर इन लॉ बुलाएगी, ठीक है? सिस्टर इन लॉ। क्या आपने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था? चलो बहुत बढ़िया, यू बेटर नो कि आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। बात करते हैं इन टॉपिक्स की। आई हैव लिस्टेड सम टॉपिक्स डाउन जो हर बार एवकेट एकाध एकाध क्वेश्चन पूछता है ना? जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डायनेस्टीज, मॉन्यूमेंट्स, डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गए, डिफेंस के क्वेश्चंस हो गए। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको बहुत ट्रिक के माध्यम से बता चुकी हूँ, उस पर वीडियोज बना चुकी हूँ, वो मैंने ऑलरेडी टिक किए हुए हैं यहाँ पे, है ना? अवार्ड्स एंड ऑनर्स की वीडियो आ चुकी है, जिसमें एक बहुत ज्यादा टैबुलर फॉर्मेट में हमने मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश की थी। मैंने आपको ऑलरेडी हेडक्वार्टर की वीडियो दे चुकी है, जिसमें बताया है कि इंडिया कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। मैंने एक वीडियो बना रखी है डायनेस्टीज एंड फाउंडर की, वो वीडियो देखे बिना मत जाना, क्योंकि उसी वीडियो में फॉरेन ट्रैवलर्स भी मैंने आपको बताए हैं और डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी बताई है, कैसे वो डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई, किसने खत्म किया, कैसे किया, डिफेंस की पूरे रामबाण वो भगवत गीता वाली वीडियो में बना चुकी हूँ, है ना? पॉलिटी का लाइव ले चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के भी एक माइंड ब्लोइंग
कार्टून वाली वीडियो बना रखी है ना। तो एक काम करते हैं, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसमें से एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस, कि आपको याद है या नहीं है। अगर याद नहीं है, थोड़ा धुंधला धुंधला कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यू नीड टू वॉच दोज वीडियोज अगेन। चलो स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द विनर ऑफ बुकर प्राइज 2020? चलो बताओ, आप इसका आंसर खुद एक बार बताने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, है ना। बुकर प्राइज याद आ रहा है भाई? ये तो हमने करंट अफेयर्स की भी वीडियो में किया था, करंट अफेयर्स 2023। याद करो, पूरे साल का कंपाइलेशन। मैं इन सारे वीडियोस का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो एक बार रिविजन कर जरूर करना, है ना। इनमें से कोई आंसर नहीं है। जो लोग ऑप्शन को देखकर फिट बिठाने की कोशिश कर रहे थे, भाई थोड़ा सा याद कर लो। बुकर प्राइज 2023 किसको मिला था? पॉल लिंच को मिला था, है ना। पॉल लिंच धोखा खा गए, अब दिमाग चलेगा। पॉल लिंच प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको मिला था, याद आया? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। भाई ये वीडियो देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स के भी अवार्ड्स मैंने इसी में इंक्लूड कर रखे हैं। चलो फाइन। Who won 2023 रामन मागसाय अवार्ड? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एशिया का नोबल प्राइज बोला जाता है ना। एशिया का नोबल प्राइज बोला जाता है इसे। ये मिला है रवि कनन साहब को, ठीक है। डॉक्टर रवि कनन, ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, ठीक है, कैंसर स्पेशलिस्ट। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि रामन मागसाय अवार्ड कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है। इसका क्वेश्चन आफ्टर बहुत बार पूछ चुका है। गवर्नमेंट सर्विस के लिए दिया जाता है, इस कैटेगरी में अवार्ड है। इसके अलावा याद करो तो पब्लिक सर्विस में दिया जाता है ना। पब्लिक सर्विस, इसके अलावा कम्युनिटी लीडरशिप में दिया जाता है। कम्युनिटी लीडरशिप, ये सब किसमें कवर्ड है? ये सब कवर्ड है अवार्ड्स वाली वीडियो में। इसके अलावा जर्नलिज्म में तो ऑफ कोर्स दिया जाता है, जर्नलिज्म में। और पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे हम आपस में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ही मैच नहीं कर पाते, और यहाँ पे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बातें हो रही है, राइट? ओके, जोक्स अपार्ट, इसके अलावा इमर्जेंट लीडरशिप के लिए भी दिया जाता है। इमर्जेंट लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है, कौन सा प्राइज या कौन सा अवार्ड कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है ना, ये याद करेंगे। ओके, प्रिट्जकर प्राइज, प्रिट्जकर प्राइज किसके लिए दिया जाता है? दिस इज फॉर आर्किटेक्चर के लिए, है ना। आर्किटेक्चर में किसी ने बहुत अव्वल काम किया हो तो प्रिट्जकर प्राइज मिल सकता है। पुलिट्जर प्राइज की बात करिए तो वो जर्नलिज्म में दिया जाता है, और जर्नलिज्म के अलावा भी पूछा जाता है, लिटररी कंट्रीब्यूशन में भी दिया जाता है। लिटररी, ररी, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, लिटररी, है ना। इसके अलावा म्यूजिक में भी दिया जाता है, म्यूजिक कंपोजिशन में भी दिया जाता है। फील्ड्स मेडल की बात करें तो वो मैथ्स में दिया जाता है ना, मैथ्स में। इसके अलावा एबल प्राइज भी आपको पूछा जा सकता है, वो भी आपका मैथ्स में ही दिया जाता है ना। नोबल प्राइज की बात करें तो वो फिजिक्स में, फिजिक्स के अलावा मेडिसिन में भी दिया जाता है, जिसे फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। आज इतनी स्पेलिंग गलत कैसे हो रही है भाई साहब? मेडिसिन, है ना, मेडिसिन में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है ना। इसके अलावा कौन से फील्ड में दिया जाता है? चलो आप बताओ, आपने पढ़ा है ना नोबेल प्राइज कौन सी फील्ड्स हैं, इतना तो पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिचुएटेड इन जिनीवा? मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो, ट्रिक्स के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने इसमें पढ़े हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पता है, जिनीवा में मोस्ट ऑफ आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसलिए बताया था कि ILO से स्टार्टिंग की थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है तो उनकी काम करते करते हेल्थ खराब हो सकती है, तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं पे है ना। फिर हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब ऑफ कोर्स रेड क्रॉस का काम कुछ और है, बट रेड क्रॉस को हम एम्बुलेंस पे भी देखते हैं, है ना, तो वो चीज भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, रेड क्रॉस का ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और अगर क्या बोलते हैं, लेबर यहाँ पे है तो ट्रेड भी यहीं पे होगा, ऑफ कोर्स तभी लेबर काम कर रहे हैं, तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं पे है। और उसी के साथ बता दूं तो न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN जिसको बोलते हैं,
है ना, सर्न, ये भी जिनीवा में ही है। तो ये सारे जिनीवा में है, नॉट सिचुएटेड वाला एक भी यहाँ पे नहीं है, है ना। चलो ठीक है, मैं ही आपसे क्वेश्चन इसका पूछ लेती हूँ। मुझे आप बता दो IMF कहाँ पे है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उनका रिवीजन कर रहे हैं, जो टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए उनका फटाफट देखेंगे, ठीक है। बात रही विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आपको नहीं लगता हमें सारे एक्सरसाइज को एक बार देख लेना चाहिए कि इंडिया किसके साथ परफॉर्म करता है? दिस इज विद फ्रांस, है ना, फ्रांस के साथ। ये नेवी की एक्सरसाइज है। मालाबार की बात करें तो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जो हम यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट होती है ना। गरुड़ की बात करें, इट इज अगेन विद फ्रांस। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स। शक्ति की बात करें, ये अगेन फ्रांस के साथ ही है। दिस इज एन मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना। तो यूएस की साथ पूछी है, तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट आपको मालाबार में ही देखने को मिलता है ना। और वहीं पे गरुड़ शक्ति पूछे तो गरुड़ा पूछ लिया अलग से, शक्ति पूछ लिया अलग से, लेकिन गरुड़ शक्ति पूछते हैं तो ये इंडोनेशिया के साथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारे कंफ्यूजन्स वाली मैंने आपको वीडियो डिफेंस में बता दी थी कि शक्ति कहाँ की है, गरुड़ कहाँ की है, गरुड़ शक्ति कहाँ की है, हरिमाओ शक्ति कहाँ की है, इसके अलावा हरिमाओ शक्ति, मित्र शक्ति, सिर्फ मित्र। तो ये सारे कंफ्यूजन्स मिलिट्री एक्सरसाइज की वहां पे हमने कंफर्म किए थे। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वो है सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह की बात करें तो इनको ऑनररी रैंक से भी नवाजा गया है। ही इज 5-स्टार जनरल रैंक ऑफिसर, है ना, जो कि एक ऑनररी रैंक होती है। ओके, सुब्रतो मुखर्जी वाज फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वहीं पे फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछा जाए तो कौन था? फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी। ओके, फर्स्ट फर्स्ट नेवल स्टाफ के बारे में पूछे तो हु इज ही? इज कटरी, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, मैंने आई गेस आई हैव आल्सो मेड वीडियो ऑन इंडिया फर्स्ट इन विमेन, है ना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड कम्स इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और पैरामिलिट्री किस में आती है? होम मिनिस्ट्री में आती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिफेंस रिलेटेड वीडियो जरूर देखकर जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बात रही सबसे ओल्डेस्ट की, तो इट इज असम राइफल्स। क्या? असम राइफल्स। ये 1885 ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ही, सॉरी 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 1835 के टाइम पे ही इनको लॉन्च कर दिया गया था, असम राइफल्स को, ठीक है, समझ आ गई बात। बात रही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये कहाँ पे ऑपरेशनलाइज होती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, है ना, ठीक है, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे हमें डायनेस्टी दिख रही है और इनके फाउंडर दिख रहे हैं, है ना। ये वीडियो कंपलसरी देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में आई हैव कवर्ड फाउंडर्स, मॉन्यूमेंट्स, फॉरेन ट्रेवलर्स और कैपिटल्स भी कवर किए हुए हैं विद द स्टोरी लाइन। हरियंका डायनेस्टी, जिनको पहली डायनेस्टी बोला जाता है, कि फॉर्मल फॉर्मल डायनेस्टीज यहाँ पे शुरू हुई। इससे पहले जनपद और महाजनपद हुआ करते थे। बिंबिसरा ने ये कल्चर स्टार्ट किया, ये बात ठीक है। उसके बाद हमने स्टोरी लाइन में देखा था कि इनको शिशुनाग ने आके मार दिया और फिर शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंगा ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सातवाहना डायनेस्टी, जो एक डेकन डायनेस्टी है, वो सिमुक ने स्टार्ट की थी। काफी सालों तक इनका राज था, बहुत सारे डेवलपमेंट इन्होंने किए थे, ये सारे हमने वहां पे देखे हुए थे, है ना। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो इनकी शुरुआत श्री गुप्त ने की थी, है ना, श्री गुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार लोग गलत कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही इफेक्टिव लीडर थे, उसके बाद चंद्रगुप्त वन, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन पीरियड ऑफ
इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सब कुछ उनके टाइम पे बहुत डेवलप हुआ। आर्यभट्ट उनके टाइम पे थे, है ना। तो ये हमारा मैच करेक्ट नहीं है, इसका आंसर श्री गुप्त होना चाहिए था। चलो बहुत बढ़िया। डायनेस्टीज, ये वापस से जिस्ट आपके सामने है, इसे भी आप रेफर कर सकते हो, और मॉन्यूमेंट्स को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। क्या कहते हो, देख लें? चलो देख लेते हैं। दिल्ली में आपको हौस खास मिलेगा, विच इज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने। मोती मस्जिद औरंगजेब ने। पुराना किला शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी याद है आपको कि मुगल पीरियड में बीच में आ गए थे, हुमायूं को पहले हराया, 12 साल तक दिल्ली पे राज किया, एंड हुमायूं केम बैक अगेन, तो उसके बाद वापस से मुगल पीरियड शुरू होने लग गया, है ना। ओके, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश ने उनको कंप्लीट करवाया, उसके आगे दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, रेड फोर्ट भी आपके शाहजहां ने बनवाया है। ये रही बात दिल्ली की। यूपी में आगरा फोर्ट इज बिल्ट बाई अकबर। फतेहपुर सिकरी आगरा की अकबर ने बनवाई। जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब कुछ शाहजहां ने बनवाया, है ना। महाराष्ट्र की बात करें तो औरंगाबाद में आपको अजंता इलोरा की केव्स मिलेगी, जो गुप्ता रूलर्स ने बनाई है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में आपको औरंगजेब की बनाई हुई दिखेगी। एलिफेंटा केव्स राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनाई हुई है ना। ओके, राजस्थान में अढ़ाई दिन का चोपड़ा, अजमेर पहले पहला मॉस्क बोला जाता है इंडिया का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये। हवा महल महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का महाराणा कुंभा ने बनवाया। चार मीनार अगर मिसलेनियस देख लें, हैदराबाद का कुली कुतुब शाह ने बनवाया। जगन्नाथ का टेम्पल अनंत वर्मा गंगा। डायनेस्टीज को वापस से देख लेना, वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सन टेम्पल नरसिम्हा देवा वन ने बनवाया। वेल्यूर बाथ स्वामी विवेकानंद ने, है ना। ठीक, चल आगे देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू, कौन से साल में कौन सा इवेंट हुआ है, यार प्लीज देख लेना, है ना। एग्जाम के बाद भी, अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ो, इसके बाद आपको ये वीडियो देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ है कि दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज एन इमोशन। यस, ये मैंने बहुत सारे इमोशन के साथ वीडियो बनाई है, कैसे 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कैसे इंडियंस ने लड़ाई करी, धीरे धीरे हमारा इन्वॉल्वमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ता गया, किन लोगों ने सैक्रिफाइस किया कि आज हम इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट इंडिया में जी जी रहे हैं, है ना। ओके, 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, है ना, काकोरी ट्रेन की लूट हुई थी। उस लूट के पैसे से जो एक्सट्रीमिस्ट थे, भगत सिंह वाज वन ऑफ देम, चंद्रशेखर आजाद वाज वन ऑफ देम, तो उस पैसे से ये क्रांति लाना चाहते थे। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने किया था, है ना। 1930 में जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए थे, नो दिस इज रॉन्ग, ये आया था 1929 में, जिन्ना के 14 पॉइंट्स, जब बिकर हेड ने कहा था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ, नेहरू रिपोर्ट बनी थी इससे पहले, बट नेहरू रिपोर्ट बहुत लोगों के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। जिन्ना मैंने भी अपने 14 पॉइंट्स दिए अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, है ना, ब्रिटिश इंडिया तब की बात करें तो। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, दिस पैक्ट वाज बिटवीन डॉक्टर आंबेडकर एंड गांधी जी, है ना, इनके बीच का ये पैक्ट था। ओके, कम्युनल अवार्ड्स को अवॉइड करने के लिए। चलो, विच इवेंट लेड टू सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी इन 1920। ये हुआ क्यों था, रौलत एक्ट के बाद जो भी जलियांवाला बाग में सेकर हुआ, उसके रिस्पॉन्स में एक तो गांधी जी ने अपना टाइटल केसरे हिंद का वो गिव अप कर दिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने तब ही बोला था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हम एक साल में आजादी पा लेंगे। बट क्या होता है, होता है चौरा चोरी कांड, जिसमें पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है, बहुत बहुत सारी डेथ्स और वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ था, जिसकी वजह से वो वायलेंस के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया और अरेस्ट हो गए, है ना। इसी के बाद की बात है कि भगत सिंह और बाकी सब लोग ज्यादा एक्टिव होने लगे, 1920 के बाद की बात है ना। चलो ठीक है, कामसूत्र किसने लिखी है,
सबका देख लेते हैं। विशाख दत्त ने कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है? मुद्र राक्षसा। ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन बट वन आते ही जाते हैं, है ना। कलाना ने कौन सी बुक लिखी? रज रत्नागिरी। सोमदेवा ने कौन सी बुक लिखी है? सोमदेवा ने लिखी है कथा सरित सागर, है ना। सारी इंपॉर्टेंट बुक्स इस वीडियो में मेंशन्ड है। और वत्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है ना। चलो ठीक है। इसके अलावा अब हम थोड़े से ग्रासलैंड्स देख लेते हैं। ग्रासलैंड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेरी आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा, पंपाना पंपाज आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। यहाँ पे ट्रिक्स भी है, जो पी से स्टार्ट हो वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में मिलेगा, प्रेरी और पंपास। स्टेप आपको यूरेशिया में मिलेगा, यूरोप से लेके एशिया तक फैला हुआ है। वेल्ड आपका अफ्रीका में मिल जाएगा। डाउन आपको नीचे, डाउनवर्ड साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन मिल जाएगा। डेजर्ट देख लेते हैं। डेजर्ट आपको नॉर्थ अमेरिका में सोनोरन, मुजावे और चिंचुआना डेजर्ट मिल जाएगा। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें, आटाकामा डेजर्ट और पेंटेगोनियन डेजर्ट मिलेगा। अफ्रीका में नामीब, कालाहारी, सहारा, सबसे बड़ा डेजर्ट, अरे ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया में आपको थार डेजर्ट मिल जाएगा, थार डेजर्ट। एशिया की बात करें, गोबी डेजर्ट मंगोलिया के पास मिलेगा, तकला मकन डेजर्ट मिल जाएगा, काराकुम और क्रिजिल कुम, ये सारे आपको एशिया के दूसरे पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। ओके, अफ्रीका सॉरी ऑस्ट्रेलिया में आपको तानामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन, सिम्पसन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह देखा है, वो मिल जाएगा। और अंटार्कटिका का कोल्ड डेजर्ट आपको अंटार्कटिकन कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया, कौन फादर ऑफ रेवोल्यूशन रहे हैं और वो रेवोल्यूशन किस चीज के लिए है? एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे हाई लाइटर ऑन करने के बाद, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। प्रोटीन रेवोल्यूशन में ये हायर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन हायर करने की। एवरग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एम.एस. स्वामीनाथन है। चलो येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो हम ऑयल सीड आंसर करेंगे, ऑयल सीड। ब्लैक रेवोल्यूशन इज अबाउट पेट्रोलियम, ब्लैक रेवोल्यूशन इज अबाउट पेट्रोलियम। ब्लू रेवोल्यूशन इज अबाउट फिश। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर को भी कहते हैं, कोको को भी कहते हैं, कोको जिससे चॉकलेट बनती है ना, और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज फॉर जूट। गोल्डन रेवोल्यूशन इज फॉर फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर बेसिकली। तो कंफ्यूज मत होना गोल्डन और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए है। पिंक रेवोल्यूशन आपका फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी, प्रॉन्स भी और अनियन प्रोडक्शन के लिए भी पिंक रेवोल्यूशन का नाम लिया जाता है। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें, दिस इज फॉर एग और पोल्ट्री की बात करें तो उसके लिए सिल्वर रेवोल्यूशन है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज फॉर कॉटन, है ना। गोल्डन गोल्डन फाइबर, सिल्वर सिल्वर फाइबर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रेड रेवोल्यूशन मीट को भी रेफर किया जाता है, टोमेटो को भी रेफर किया जाता है। राउंड रेवोल्यूशन इज फॉर पोटैटो। ग्रीन रेवोल्यूशन इज अबाउट फूड ग्रेन्स एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन। वर्गीस कुरियन का नाम बहुत बार पूछा जाता है, क्लियर। चलो ये रिवाइज हो गया। अब हम रिवर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवर्स यहाँ पे ये सारी पेनिनसुलर रिवर्स आपको दिख रही होगी जो साउथ इंडिया में पाई जाती है। ओके, गोदावरी की बात करें, यहाँ पे मैं आपके लिए टेबल एक थोड़ा सा बेहतर तरीके से बना देती हूँ, जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है और ओरिजिन उसका नासिक से है, त्रिम्बक प्लेट्यू से, और उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वर्धा, वेन गंगा, पेन गंगा, इंद्रावती, मांजिरी, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे आप है ना मैप पे लोकेट कर लेना। एफकैट तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, बट यू नेवर नो, एफकैट इज इंक्रीजिंग इट्स लेवल डे बाय डे।
कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर आपकी महाबलेश्वर से निकलती है, कोयना, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, भीम, पेमा, ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज है। और आपको इस पे श्री सलाईलाम, अलामती और नागार्जुन सागर डैम मिल जाएगा। कावेरी की बात करें तो तला कावेरी कर्नाटका से ये स्टार्ट होती है, हेमावती, भावनी, अर्कवती, ये इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। कृष्णराज सागर डैम और मेतूर डैम, आपको मेतूर डैम बहुत बार देखा गया है जो कृष्णा नदी के पास है। महानदी की बात करें तो दंड छत्तीसगढ़ से दंड करायना से ये निकलती है। इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत बार पूछी जाती है, सियोनाथ, हसदियो, मंड, इब, ओंग, तेल, जोक, ब्राह्मणी और सबर्णरेखा। हीराकुंड डैम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स मतलब टुवर्ड्स अरेबियन सी जाती है नर्मदा और तापी। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से और तापी निकलती है आपके मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से। बात समझ आ गई, चलो बढ़िया। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट डैम्स और ओरिजिन की बात करें नदर्न रिवर्स की या हिमालयन रिवर्स की, तो इंडस, इंडस इंडिया से नहीं निकलती है, वोकरचुक लायंस माउथ से ये निकलती है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इंडिया। जेलम को वितस्ता कहा जाता है, इनके संस्कृत नाम जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, संस्कृत नेम्स रिवर्स के पूछे जाते हैं। वेरीनाग से निकलती है, उरी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम यहाँ पे आपको यहाँ मिल सकता है। चिनाब जिसे आसिकीनी कहा जाता है, बारालाचा पास से निकलती है। रवि पुरुषनी, रावी नदी को पुरुषनी या इरावती भी कहा जाता है, रोहतांग पास से ये निकलती है। ब्यास को दिप्सा कहा जाता है, रोहतांग पास से निकलती है। और सतलज रकस लेक से निकलती है, सतादरू जिसका नाम है। भाखरा नंगल डैम भी इसी पे है, भाखरा नंगल डैम कुछ साल पहले न्यूज में बहुत ज्यादा था। बात रही प्रयाग की, प्रयाग क्या होता है, प्रयाग इज आप कह सकते हो दो रिवर्स का मिलना। यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो, जैसे गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, केदारनाथ से आपकी निकलती है मंदाकिनी, ये दोनों मिलके आपके देव प्रयाग बनाते हैं, है ना। रुद्रप्रयाग से ये अलकनंदा बनती है और ये निकलता है। उसको पहले अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, फिर मैप में देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अलकनंदा धौली गंगा से निकलती है, सॉरी, अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं जो मना मना ग्लेशियर पे है, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं, अलकनंदा और पिंडारी निकलते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी निकलेंगे, और अलकनंदा प्लस भागीरथी ये आपका रिवर गंगा बनाता है। अब यहाँ पे देखो, अलकनंदा इज कॉमन और बाकी सारी नदी यहाँ पे सेम निकलती है, ठीक है। अलकनंदा यहाँ से आपको दिखाई देगी, बाकी ये मंदाकिनी, भागीरथी, पिंडार, इन सबसे मिलके फाइनल पॉइंट पे आपकी गंगा रिवर बनाती है। तो ये आपको थोड़े से प्रयाग याद रखने पड़ेंगे, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। चलो ठीक, बाकी वर्ल्ड की रिवर्स की अगर हम बात करें, वर्ल्ड रिवर्स का एक क्वेश्चन तो देखा जाता है, यहाँ पे हाइलाइटर थोड़ा सा ऑन कर लेंगे ताकि बेटर समझ आए, है ना। ओके, कारकास रिवर आपकी वेनेजुएला में देखने को मिलेगी, है ना, सॉरी, कारकास सिटी में आपको जो वेनेजुएला है उसमें गौरे नदी देखने को मिलेगी। डानूबे आपको ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगी। एल्बे आपको जर्मनी में देखने को मिलेगी, है ना। ओके, सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में, विस्तुला इज इन पोलैंड, एल्बे, ये सारी इंपॉर्टेंट एक बार आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे नाइल नदी जो कि बहुत सिंपल है, ओब नदी के बारे में क्वेश्चन मैंने देखा है, मिसूरी नदी के बारे में देखा है, मिसिसिपी के बारे में देखा है, अमेज़न नदी के बारे में तो बहुत ही ज्यादा आपने सुना होगा। गंगा आपको पता है, इंडस आपको पता है, यांगस्ते इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी नदी को थोड़ा सा रीड आउट करके जरूर जाना। चलो, हु कैन रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये लाइव में पूरा पॉलिटी इतने सही तरीके से पढ़ा चुकी हूँ कि आप भूल नहीं सकते हो, है ना। एक बार उसको जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियोज का लिंक आई एड ऑन। चलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या पार्लियामेंट इम्पीच करके हटा सकती है? यस ऑफकोर्स, इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है ना। और ये लोग तो कह रहे हैं कि देर इज नो फॉर्मल प्रोसेस,
नहीं, अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, अगर हम बात करें गवर्नर की, इनको निकालने का कोई फॉर्मल तरीका इज नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट को तो निकाल सकते हो ऑन द वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 61, है ना. देखो प्रेसिडेंट ये सारी चीजें किस किस को अपॉइंट करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उनका टेन्योर 5 साल का होता है. ओथ उनको कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. रेजिग्नेशन ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं. वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, उनका भी टेन्योर 5 साल का होता है. ओथ उनको प्रेसिडेंट दिलाते हैं. रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देंगे. वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है. ये सारी चीज बहुत ही रिप्रेजेंटेशनल तरीके से हमने लाइव में देखा था, उसको प्लीज देख लेना, है ना. मैंने आपके लिए टेबल भी दे रखा है ताकि एक टेबल में रह के आप सबको देख सको, सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस, आर्टिकल नंबर, रेजिग्नेशन, सब कुछ मैंने टेबल वाइज उस पीडीएफ में भी दिया हुआ है, उसको जरूर रेफर कर लेना. अच्छा, आपको सारी चीजों की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिफेंस मीडिया का ऐप डाउनलोड करना, वहां पे बुक्स वाला सेक्शन होगा. बुक्स वाले सेक्शन में आपको यूट्यूब की पीडीएफ सारी मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हो. ठीक है, एक साथ पूरा रिविजन हो जाएगा आपका. ये सारी चीजें मैंने अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन की हुई है. बात करते हैं बैटल्स एंड ट्रीटी की. फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी. पहले पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे, फिर आया सेकेंड बैटल ऑफ टैरिन जहां पे मोहम्मद गोरी जीत गए. बैटल ऑफ चंदवार अगेन मोहम्मद गोरी वॉन बाय डिफीटिंग जयचंद. ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में थी, जिसमें बाबर जीत गया था और मुगल डायनेस्टी शुरू हो गई थी. फिर बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, चौजा एंड कन्नौज, इन सब को बाबर ने ही फाइट किया था. खानवा में इन्होंने राणा संगा को हराया, चंदेरी में इन्होंने मेदिनी राय को हराया, बैटल ऑफ चौजा एंड कन्नौज में उन्होंने शेरशाह को हराया. ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है बैरम खान और हेमू के बीच में, है ना. हेमू जो कि मोहम्मद आदिल शाह का जनरल था, है ना, और बैरम खान वो अकबर के जब अकबर छोटे थे तब हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो तब तक बैरम खान वाज हैंडलिंग एवरी थिंग, है ना. ओके, तो बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ा था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत उनके पोते अकबर ने लड़ा था, बट अकबर के बिहाफ में देयर वाज बैरम सिंह हु वाज लीडिंग. ठीक है, ओके. बैटल ऑफ हल्दीघाटी राणा संघा और मान सिंह के बीच में हुआ. बैटल ऑफ कोलाचल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, स्टेट ऑफ ट्रावनकोर. बैटल ऑफ बदेरा जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी कंप्लीटली, उनका एग्जिट हो गया इंडिया से, है ना. ट्रीटी ऑफ आचेन इंडिया सॉरी इंडिया ब्रिटिश इंडिया और फ्रेंच के बीच में थी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में. ट्रीटी ऑफ पॉन्डीचेरी सेकेंड कार्नेटिक वॉर में हुआ, सारे कार्नेटिक वॉर इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में थे. ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसमें फाइनली उनको जाना पड़ा था फ्रेंच को, थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात है. बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच की है. ट्रीटी ऑफ अलीनगर ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, मैंने एक और हिस्ट्री की वीडियो बनाई हुई है कंपनी राज करके, जिसमें कैसे यूरोपियंस आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फिर रूलिंग करते हैं, और वहां से लेके 1857 जब जब कंपनी का राज खत्म हो गया तब की वीडियो बनाई है, वो भी जरूर देखना. ठीक है, ओके. बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो एक साइड तो मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम टू थे, और वो लड़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसने हेक्टर मुनरो ने उनको लीड किया था. ठीक है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करके ये सारे हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी. ट्रीटी ऑफ सालबाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में साइन हुई थी. ट्रीटी ऑफ बसाइन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में साइन हुई थी. ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. दिस इज द ब्यूटिफुल जस्ट यार, है ना, इसको जरूर एक बार देख लेना, याद कर लेना. ठीक है, बात करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है. खिचड़ा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा होगा, लेकिन ये जीके के मैक्सिमम टॉपिक्स हम क्वेश्चन करने की आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, इनके फाउंडर माना जाता है गौतम बुद्ध, जिनको साक्य मुनि या तथागता भी कहा जाता है. 563 BCE में
हर बुक में कुछ साल आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। लोटस ऑफ बुल का रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। प्लेस ऑफ बर्थ गौतम बुद्धा का कहाँ था? लुम्बिनी में, दिस इज इन नेपाल, ठीक है। फिर एक टर्म यूज किया जाता है, महाभिनिष्क्रमणा। दिस रेफर्स जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उनकी वाइफ भी थी, उनके बच्चे भी थे, बट ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है। ओके, उन्होंने आलारा कलम से मेडिटेशन सीखा। निर्वाणा, निर्वाणा रेफर्स जब उनका एनलाइटमेंट हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सॉरी, धर्म चक्र परिवर्तन जब उन्होंने फर्स्ट लेक्चर दिया था अपना वाराणसी में। परी निर्वाणा, निर्वाणा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना। परी निर्वाणा का मतलब डेथ रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके चार काउंसिल के नाम हमें याद रखने होंगे। फर्स्ट काउंसिल इनकी राजगृह में हुआ, अजात शत्रु ने कराया। सेकंड वैशाली में हुआ, कालशुका ने कराया। अब ये किस डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था, ये आपको डायनेस्टी की वीडियो से पता चलेगा, ठीक है। थर्ड पाटलिपुत्र में अशोका ने करवाया था। फोर्थ कश्मीर में कनिष्क ने करवाया था, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ इसे कंफ्यूज नहीं होना है। इनके फाउंडर रहे हैं वर्धमान महावीर। 540 BCE में इनका रिकॉर्ड किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट टाइम, है ना। प्लेस ऑफ बर्थ इनका वैशाली के पास था। और ये सारे वैदिक रिचुअल्स को डिनाई करते हैं, ये भगवान में नहीं मानते हैं, बट स्टिल ये 42 की एज में इनको सुप्रीम नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य अटेन हुआ था। इनका फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था बाई स्थूल भद्रा, और सेकेंड इज इन वल्लभी, ठीक है, वल्लभी में हुआ था। इनके तीर्थंकर रहे हैं, वो आपको याद रखना होगा। फर्स्ट इज ऋषभदेव, उसके आगे के आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट लास्ट के याद कर लो। 23rd इज पार्श्वनाथ एंड 24th इज वर्धमान महावीर, ठीक है। इसके बाद फुल फ्लेज जैनिज्म इज रेडी एज ए रिलीजन टू अडॉप्ट, है ना। चलो ठीक है, उसके बाद 1857 के रिवोल्ट में किसने कहां से लड़ाई की थी, उसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको फटाफट से हम देखेंगे, है ना। दिल्ली से आपके बहादुर शाह टू और जनरल बख्त खान, इन्होंने रिवोल्ट लीड किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल बिरजिस कादर अहमदुल्ला ने इसको लीड किया था। कानपुर की बात है, नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान वॉज लीडिंग। झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई तो है ही, बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, राजस्थान से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह थे, फकराबाद से तफजल अजहन खान थे, असम से कांदा परेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता, उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। आपको ये तो पता है ना, यहीं से मैंने अपनी हिस्ट्री की वीडियो स्टार्ट की थी। मंगल पांडे की फांसी को एक ट्रिगरिंग पॉइंट माना जाता है कि वहीं से इंडिपेंडेंस की शुरुआत होने लग गई। उनका सैक्रिफाइस, उनकी मूवी अगर आपने देखी हो मंगल पांडे की, उन्होंने कहा है ये फांसी लगना बहुत जरूरी है, मेरी फांसी के बाद ही लोगों में चिंगारी उठेगी और जो कभी नहीं रुकेगी अंटिल अनलेस वी गेट इंडिपेंडेंस, है ना। तो इनके बाद 1857 की क्रांति अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे स्टार्ट होती है, बट दैट हैज बिन शट डाउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। थोड़ी सी दिक्कत हो गई और अंग्रेजों ने 90 साल और ज्यादा रूल कर लिया था इंडिया पे, है ना। चलो ठीक है, इसके अलावा कुछ सोसाइटीज हैं जिनके फाउंडर का नाम हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे 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 कि आत्मीय सभा, राजा राममोहन रॉय ने शुरू किया था कलकत्ता में 1815 का टाइम। यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो, ये क्वेश्चन आई हैव सीन समवेयर। ब्रह्मो समाज, राजा राममोहन रॉय। धर्म सभा बाय राधाकांत देव। तत्व बोधिनी सभा बाय देवेंद्र टैगोर। परमहंसा मंडली बाय दडोबा पांडारंग। रहनुमा मध्यान्ह सभा बाय दादा साहेब नौरोजी, हु इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। इन्होंने अपने एक थियोरी दी थी ब्रिटिश पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। राधा स्वामी सत्संग बाई शिव दयाल साहिब। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया
स्टार्टेड बाय केशव चंद्र सिंह, प्रार्थना सभा बाय आत्माराम पांडुरंग, आर्य सभा समाज बाय स्वामी दयानंद, थियोसोफिकल सोसाइटी इज बाय बलात्स्वी एंड कर्नल ओलकॉट, साधारण ब्रह्मो समाज इज बाय आनंद मोहन बोस, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाय जीजी अगारकर, रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, पुणे सेवा सदन रामाबाई रानादे, सोशल सर्विस लीग एमएम जोशी, सेवा समिति बाय एचएन कुंजरू हु इज फादर ऑफ एनसीसी आल्सो, ही इज फादर ऑफ एनसीसी है ना, ओके okay. उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है ना। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट होता है, डब्ल्यू सी बैनर्जी उनके पहले प्रेसिडेंट रहते हैं, है ना, डब्ल्यू सी बैनर्जी इनके पहले प्रेसिडेंट रहते हैं, और ये स्प्लिट हो गया था 1907 में बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड 1907 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में स्प्लिट हो गया था, और वापस से ये यूनाइट हो गए थे 1916 में, याद आया, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब उनका तरीका ये है कि यार हम झुक झुक के आजादी नहीं मांग सकते हैं, दे आर नॉट ट्रीटिंग अस इक्वल्स, तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, है ना, अगर हमें आजादी चाहिए तो हथियार हाथ में लेने पड़ेंगे, जैसे लाला लाजपत रॉय इज एग्जाम्पल, ही इज ऑल्सो नोन एज लायन ऑफ पंजाब, है ना, बाल गंगाधर तिलक है जिनको लोकमान्य तिलक भी बुलाया जाता है, इन्होंने बहुत फेमस वाला स्लोगन दिया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट, है ना, और इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की भी शुरुआत की थी 1916 में, केसरी मराठा जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स इन्होंने स्टार्ट किए, बिपिन चंद्र पाल जिनको फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया बोला जाता है, अरविंदो घोष इन्होंने वंदे मातरम इंग्लिश न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था, दीज ऑल आर एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट की बात करें तो दादा भाई नाराव जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया के नाम से भी गोखले ने उनको रिप्रेजेंट किया था, है ना, व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अय्यर जिन्होंने द हिंदू पेपर स्टार्ट किया जो आज आप पढ़ते हो, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु रह चुके हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिनको राष्ट्र गुरु या इंडियन बुरखे भी कहा जाता है, बंगाली पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अगर साइंस पोर्शन की बात करें, एक और रिकमेंडेशन मेरा सुनते जाओ, फिजिकल यूनिट्स उनके एसआई यूनिट्स जरूर करके जाना, ठीक है, एसआई यूनिट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करके जरूर जाना, बाकी विटामिंस का देखते हैं, देर आर फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन, है ना, फैट सोल्यूबल मतलब ऑयल सोल्यूबल टाइप्स, जिसके एग्जाम्पल है विटामिन ए डी ई और के, और बी और सी वाले सारे वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, रेटिनल रेटिनोइक एसिड, इसकी कमी की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस या केरेटो मलेशिया हो सकता है, ठीक है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल आपको याद रखना है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल के आगे पीछे जो भी लगे यू शुड बी क्लियर कि विटामिन डी की बात कर रहे हैं, जिसकी कमी से रिकेट्स हो सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। विटामिन ई की बात करें जिसे टोकोफेरॉल कहता है, उसकी कमी की वजह से आपको हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। विटामिन के जिसको क्विनोन के नाम से आप जानोगे, फाइलोकिन क्विनोन में ना क्विनोन हो जाए, जिसकी कमी की वजह से ब्लीडिंग डायथिसिस हो सकता है, ठीक है, क्लॉटिंग के काम में विटामिन के आता है बेसिकली। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो B1 को थायमिन बोल दोगे, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नायसिन या नायसिनामाइड, B5 को पेंटाथोनिक एसिड, B6 को पिरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड, B12 को साइनोकोबाल अमीन, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोल दोगे, ठीक है। विटामिन हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी बात रही निक नेम की, आफकेट तो पागल है भाई इस बात पे, निक नेम के साथ पता नहीं आफकेट को क्या प्यार है, एक बार रिवाइज करते हैं। फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान बोला जाता है खान अब्दुल गफर खान को, वाज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
जो आज का आज के डेट में पाकिस्तान में है, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि यार मत बनाओ पाकिस्तान और इस तरीके से पार्टीशन मत करो, बट उनकी किसी ने सुनी नहीं और इनको चलो लिखते चलते हैं। खान अब्दुल गफर खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न भी मिल चुका है। ही इज दी वन ऑफ द इंडियन हु हैज रिसीव द सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनके अलावा नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है ना, मदर टेरेसा को भी मिला है, बट उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, वॉज नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। ऐसे मजा आता है यार, देखो एक चीजों से कनेक्ट करके हम दो चार चीजें याद कर लेते हैं ना, तो इस तरीके से रिविजन अच्छा होता है। आदि कवि वाल्मीकि को बोला गया था मैन ऑफ पीस, लाल बहादुर शास्त्री जिनकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हो गई थी, चाचा जी या पंडित जी? जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इनकी कोई बुक याद करो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो हमने स्कूल में भी क्लास 8th में पढ़ रखी है ना। चलो मॉर्निंग स्टार स्टार ऑफ इंडिया, इंडियन रेजिडेंस, राजा राममोहन रॉय, इनको बोला जाता है, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं इंडिया में। मदर के नाम से मदर टेरेसा को बुलाया जाता है, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है, नेचुरलाइज सिटीजन, आई टोल्ड यू राइट। सेज ऑफ कांची शंकराचार्य को बोला जाता है, उड़नपरी पीटी उषा को बोला जाता है, साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है वंदे मातरम। ओके, एनलाइटेंड वन लॉर्ड बुद्धा को बोला जाता है, मजिशियन ऑफ हॉकी, चुंबक लगा होता था इनकी हॉकी में ऐसा मानते थे ध्यानचंद, उनको अप्रिशिएट करने के लिए सच में नहीं लगा होता था। ठीक है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बोला जाता है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को, प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली को, दीन बंधु एंड्रयूज को बुलाया जाता है, देश प्रिया यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता को, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ये चीज हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी, कुवेंपु केवी पुत्तप्पा को बोला जाता है, महामाया प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय को बोला बुलाया जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को, प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी बाबर को, प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स मोहम्मद बिन तुगलक को बुलाया जाता है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को, शेर ए कश्मीर लायन ऑफ कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, फादर ऑफ नेशन बापू महात्मा गांधी को बुलाया जाता है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी को, इंडियन आइंस्टाइन नागार्जुन को, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। चलो मुझे बताओ सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया महाकवि कालिदास, स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को बुलाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गेस वर्क में हमेशा रॉन्ग हो जाता है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को बुलाया जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को, आयरन मैन किसको बुलाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा आयरन लेडी किसको बुलाया जाता है, सॉरी मिसाइल लेडी किसको बुलाया जाता है, चलो बताओ मिसाइल मैन और मिसाइल लेडी किसको बुलाया जाता है? बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, पंजाब केसरी बाल गंगाधर तिलक, अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल अब्दिन, बाबू जी जगजीवन राम, प्रिंस ऑफ मार्टियर्स शहीद ए आजम भगत सिंह को बुलाया जाता है, सीआर राजा जी राजगोपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बुलाया जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास, फादर ऑफ गुजरात रविशंकर महाराज, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म तुषार कांति घोष, किंग मेकर सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स भी आप कह सकते हो, दे आर किंग मेकर्स। ओके, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मैसूर टाइगर टीपू सुल्तान, पैरट ऑफ इंडिया तोते हिंद अमीर खुसरो को बुलाया जाता था, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहां, क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने इंडिया में, कुएदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया जाता है पाकिस्तान में, देश रत्न या अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, इलेक्टेड वन, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया दयानंद सरस्वती, नेताजी पेट्रियोट्स ऑफ पेट्रियट ऑफ पेट्रियोट्स
सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है? आयरन या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल? विश्व कवि या कवि गुरु गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर? पहले नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया लिटरेचर में इनको मिला है ना? ओके। कथा शिल्पी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को मिला? मैथिली ऑफ इंडिया चाणक्य? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू? यंग तुर्क चंद्रशेखर? हरियाणा हरिकेन कपिल देव? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर? किंग मेकर तो सैयद ब्रदर्स को बुलाया जाता है, आंध्र केसरी प्रकाशन को बोला जाता है, बंगा बंधु शेख मजीबुर रहमान, लाल बाल पाल आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, विजी महाराजा कुमार ऑफ विजयनगर इनको बुलाया जाता है। चलो बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, कौन सा टर्म यूज होता है, कौन सी ट्रॉफी किस में दी जाती है, फटाफट से इसका रिविजन करते हैं। बात करें बास्केटबॉल की, बास्केटबॉल में आपके 5 प्लेयर होंगे, बेसबॉल में 9 है, ब्रिज में 2 ही लोग होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर्स के साथ खेला जाता है, पोलो इज विद 4 प्लेयर्स, स्नूकर या बिलियर्ड्स पंकज अडवाणी जिसका मोस्ट ऑफ आंसर होता है उसमें एक ही प्लेयर होते हैं, ठीक है। क्रॉकेट 13 और 15 प्लेयर्स, वाटर पोलो 7, कबड्डी 7, नेटबॉल 7, ठीक है। चलो बढ़िया, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स की बात करें, फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक्स तो वो केडी जाधव है। फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इज अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता है, करनाम मलेश्वरी। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जो कि किसमें दिया जाता है, टेनिस में, है ना, वो महेश भूपति है। फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन एट बिलियर्ड्स वो विल्सन जोन्स हैं। फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट आशीष कुमार जिन्होंने मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव ग्रैंड मास्टर का टाइटल, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, चेस, कोनेरू हम्पी। यंगेस्ट इंडियन टू विन ग्रैंड मास्टर परिमर्जन नेगी। इंडिया फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो फर्स्ट इंडियन भी है जिन्होंने फिडे वर्ल्ड कप जीता है चेस चैंपियनशिप में, विश्वनाथन आनंद। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल मिहिर सेन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन एशिया में भी फर्स्ट टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल आरती साहा। फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड टू स्विम 7 सीज 7 समंदर पार करके ये गए हैं बुला चौधरी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स कमलजीत संधू। फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट अंजू बॉबी रही हैं, इनको ब्रोंज मेडल मिला था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता सानिया मिर्जा, इन्हें कैसे भूल सकते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है आजकल, है ना। फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप साइना नेहवाल। ओके, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले विनर विश्वनाथन आनंद है। फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड करनाम मलेश्वरी है। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो अपर्णा घोष नहीं है। फर्स्ट क्रिकेटर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला सलीम दुरानी। फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल्स कंसेक्यूटिवली, मतलब एक के बाद एक, सुशील कुमार, है ना। चलो ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट की बात करें, हालांकि आई वुड से कि इसे आप प्लीज अब अपडेट कर देना, है ना, करंट अफेयर्स वाली वीडियो में मैंने इस चार्ट को अपडेट किया हुआ है, तो प्लीज उसे जरूर एक बार रेफर कर लेना। ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाले हैं, फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, तो आई एम नॉट कवरिंग दिस थिंग हियर, वो आपको उस वीडियो करंट अफेयर्स उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पूरा कंपाइलेशन ऑफ 2023, ताकि आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। फाइन, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं
नेशनल स्पोर्ट्स, इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, हॉकी इज नॉट दी नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे लिखा है ताकि दिमाग में घुसे। क्रिकेट, हॉकी जो आपको लगता है वो बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है, ठीक है। चाइना का टेबल टेनिस, यूएस का बेसबॉल, स्पेन का बुल फाइटिंग, अफगानिस्तान का बुस्कासी, जापान का जू जुत्सु, बांग्लादेश का कबड्डी, नेपाल का डांडी बियो, तुर्की का ऑयल रेसलिंग, भूटान का आर्चरी। कप्स एंड ट्रॉफीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करना पड़ेगा। पोलो में दिया जाता है इजरा कप, वेस्ट चेस्टर कप, विनचेस्टर कप, राधा मोहन कप। रोइंग की बात करें तो वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। बैडमिंटन में अमृत दीवान कप, एशिया कप, चड्डा कप, ये आपका सम अप है ना। इसको डिटेल में अगर हम देखें आगे, एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में कौन कौन से आपके गेम दिए जाते हैं, वर्ड्स टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो भाई क्या बोल दोगे, कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हुए जाते हैं, रिले, ट्रैक, लेन, फोटो फिनिश, हर्डल्स, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप और क्रॉस कंट्री, ये सारे एथलेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स है। बैडमिंटन की बात करूं तो कैसे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, शटल कॉक, ड्यूस, गेम, डबल फॉल्ट, सर्विस कोर्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, लव, लेट, नेट, ड्रॉप, हिट और स्मैश। अब मैंने कहा था ना आगे जो टेबल था दैट वाज जस्ट एक बार आपको रिवीजन करने में हेल्प आएगा। डिटेल में यहाँ देखते हैं, बैडमिंटन में आपको दिया जाएगा अमृत दीवान कप, एशिया कप, छड्डा कप, यूरोपियन कप, हरी लीला कप, इब्राहिम रहीमतुल्ला चैलेंजर कप, कोनिका कप, सोफिया कप, कितियाकारा कप, मलेशियन ओपन, थॉमस ओपन, ऊबर कप, ऊबर कप इज ओनली फॉर वेमेन, याद रखना, ठीक है, यूनिक्स कप। बेसबॉल की बात करें तो पिचर, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग, होम रन, बेस रनर, थ्रो, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक एंड पुट आउट, ऐसे टर्म्स आपके बेसबॉल में यूज होते हैं। बास्केटबॉल की बात करें, फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडर हेड, टेक्निकल फाउल, ओवर हेड, जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। बॉक्सिंग में देर इज अ लॉन्ग लिस्ट, एक्सीडेंटल बट, ब्लीडर, बोलो पंच, पाउट, ब्राउलर, ब्रेक, बकल, कैनवस, कार्ड, कॉट कोल्ड, क्लिंच, कॉर्कस्क्रू पंच, कॉर्नर मैन, काउंटर पंच, क्रॉस, कटमैन, डाइव, एट काउंट, ग्लास जॉ, हेमेकर, किडनी पंच, लिवर शॉट, लो ब्लो, माउलर, न्यूट्रल कॉर्नर, लॉडर, रिंग रिंग जनरलशिप, रफ हाउसिंग, साउथ पॉ, स्पार, स्टेबल मेट, टेक्निकल नॉकआउट, वॉकआउट बाउट और विस्कस। बिलियर्ड्स की बात करें तो पुल, शू, हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, ब्रेक शॉट, स्कोरिंग और कुशन बिलियर्ड्स जैसे टर्म यूज होते हैं। चेस में गैम्बिट, स्टेलमेट, मूव, रिजाइन, चेकमेट जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। क्रिकेट अगेन लॉन्ग लिस्ट, हैट्रिक, मेडन, फॉलो ऑन, डिक्लेयर, बाउल, कॉट, रन आउट, मिड ऑन, सिली, शॉर्ट लेग, गली, स्लिप्स, स्ट्राइकर, स्टंट, LBW, लेग बिफोर विकेट, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, बाउंसर, बीमर, कुकली, फुल टॉस, ड्राइव, कट, पुल, हुक, फ्लिक। यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई ना, कि मोस्ट ऑफ द टर्म्स यू आर अवेयर अबाउट, क्योंकि इसका इसका मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा है ना। कौन सी ट्रॉफीज दी जाती हैं क्रिकेट में, एशेस कप, एशिया कप, CK Naidu ट्रॉफी, धियोदार ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप, ICC वर्ल्ड कप, ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रोहिंतन बारसिया ट्रॉफी, रॉथमैन्स कप, सहारा कप, शारजहा कप,
सिंगी कप, टाइटन कप, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, ये सारी की सारी क्रिकेट से बिलोंग होती है। फुटबॉल की बात है, अटैकर, बैक हील, बैक पास, बॉल कैरियर, पेंडिंग द बॉल, बाइसाइकिल किक, सेंटर स्पॉट, कॉर्नर फ्लैग, कॉर्नर किक, क्रॉस, डिफेंडर, डायरेक्ट फ्री किक, ड्रिबल, फार पोस्ट, फुटजल, गिव एंड गो, स्ट्राइकर जैसे वर्ड यूज होते हैं, गोल लाइन, गोल माउथ, शॉट, गोल कीपर, हेडर, इनडायरेक्ट फ्री किक, इन स्विंगर, किक ऑफ, मैन टू मैन मार्किंग, स्वीपर, मिडफील्डर, नियर पोस्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑफ साइड ट्रैप, ऑफ साइड, वन टच पास, पेनल्टी स्पॉट, रेड कार्ड और टैकल जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। कप दिए जाते हैं इसमें, रोवर्स कप, बंदोत्कर ट्रॉफी, मरडेका कप, कॉन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, दुरंत कप, ड्रोवर्स कप, बीसी राज ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, जूल्स रिमेट ट्रॉफी, कलिंगा कप, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, सिजर कप, सुब्रतो कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, तोद मेमोरियल ट्रॉफी, वाइटल ट्रॉफी, ठीक है, और यूईएफए चैंपियंस लीग। गोल्फ की बात करें तो इसमें टर्म्स, टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज होती है, एस, अल्बाट्रॉस, डबल ईगल, ऑल स्क्वायर, अप्रोच पुट, अप्रॉन, बॉल मार्क, बलूनिंग, बीच, बर्डी, ब्लाइंड शॉट, बोगी, बंकर, कैरी, चिप, क्लॉग्रिप, कॉन्डोर, डॉग लेग, डब, फ्लैग, फोर बॉल, मुलिगन, ऑफ द डेक, सैंड ट्रैप, टी शॉट, राइट, गोल्फ। ट्रॉफी कौन सी खेली जाएगी? कनाडा कप, आइजनहोवर ट्रॉफी, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, मुथिया गोल्ड कप, नामुरा ट्रॉफी, पारालाम्बी ट्रॉफी, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, सोलहेमन कप, टोपोलिनो ट्रॉफी, वॉकर कप, वॉटरफोर्ड क्रिस्टल ट्रॉफी एंड वर्ल्ड कप, है ना। हॉकी, हॉकी और फुटबॉल के टर्म्स काफी मैचिंग होंगे, सेंटर, डिफेंडर, फॉरवर्ड, हाफ, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी शूट, पेनल्टी कॉर्नर, पुट इन, फ्री हिट, स्ट्राइकिंग सर्कल, गोल। आई यूज टू प्ले हॉकी इन माई स्कूल, सो इसमें लिटिल इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा नोन वर्ड्स है। वट गेम हैव यू प्लेड, आपने कौन सा खेल खेला है कमेंट में जरूर ऐड करना, ठीक है। गोल लाइन, टच लाइन, गोल कीपर, ऑफ साइड, फाउल, स्टिक, कैरी, ड्रिबल, टाई ब्रेकर और ट्रैपिंग जैसे वर्ड यूज होते हैं। और कौन कौन से कप खेले जाते हैं? सुल्तान अजलन शाह कप, आगा खान कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप एंड स्टैनली कप, राइट। शूटिंग के लिए बैग, बुलसाई, मार्क्समैनशिप, प्लग और स्कीट जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। स्विमिंग के लिए एड अप, एंकर, अप्रूव्ड मीट, बैक स्ट्रोक, बैनर, बीप, बोनस हीट, बॉटम, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बुलपेन, बुलेटिन कैप, कारपूल, कार्ड्स, चेक इन, चेक आउट, कोर्स, ट्रायल एंड फॉल स्टार्ट, फ्री स्टाइल, गन लैप, हीट, जंप, लेन लाइन्स, पैडल, यार्गेज, स्ट्रोक, स्प्लिट, साथ साथ बोलते जा रहे हो ना, याद कैसे रहेगा, सोचा है कुछ? रिले, पुल बॉय, पुल और पार्का जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। जबकि टेनिस की बात करें, स्मैश, क्रॉस कोर्ट, पासिंग शॉट, बैकहैंड, फोरहैंड, स्लाइस, टॉप स्पिन, सर्व, ड्रॉप शॉट, लॉब, डाउन द लाइन, ड्यूस, वॉली, एस, ग्रैंड स्लैम, गेम, सेट, टाई ब्रेकर, ये थोड़े से वर्ड आपने बैडमिंटन में भी देखे होंगे, है ना। और जो खेल खेले जाते हैं लॉन टेनिस में, वो है डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन कप, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन एंड हाइकिन कप, ये सारे फेमस कप्स हैं इसके। मिसलेनियस अगर आप थोड़ा सा नोटिस करना चाहो तो विलियम्स कप आपको बास्केटबॉल में दिया जाता है, बंगलोर ब्लू चैलेंज कप बास्केटबॉल में, वर्ल्ड कप मोस्टली सब में ही होता है, वेट लिफ्टिंग की कोई खास बात नहीं है, बुर्दवान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग, किंग्स कप एयर रेसेस,
शिंडर कप सी प्लेन रेस, जवाहरलाल नेहरू चैलेंज एयर रेसिंग, अमेरिकन कप याच रेसिंग, डेविस कप हॉर्स रेस, चार मिनार ट्रॉफी एथलेटिक्स, होलकर ट्रॉफी ब्रिज, वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग, अमेरिकन कप याच रेसिंग, डर्बी हॉर्स रेसिंग और ग्रैंड नेशनल हॉर्स स्टीपल चेज। एंड यस, दीज वर आर प्रीमियम एंड प्राइम टॉपिक्स। रिकमेंडेशन सुन लो, क्या क्या पढ़ोगे, बुक्स एंड ऑथर्स अभी वन बाय वन नीचे लिंक्स दिए हैं, उसको कवर करते ही जाना, ठीक है। हिस्ट्री की वीडियो नंबर 1 अभी नहीं देखोगे तो चलेगा, वीडियो नंबर 2 जो 1857 से लेके 1947 तक है ना, उसको फटाफट एक बार 1.5x करके जरूर देख लेना। उसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स के वीडियो आपको देखने हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स 2023 का कंपाइलेशन आपको पूरा देखना है, इसके भी अलावा डिफेंस की वीडियो बनी हुई है, कुछ कुछ वीडियोस डिफेंस मेनिया पे होगी, कुछ कुछ आफकैट मेनिया पे होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, डायनेस्टीज वाली वीडियो आपको देखनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर वाली वीडियो आपको देखनी होगी, है ना। फर्स्ट इन वुमेन की भी वीडियो बनाई है, फर्स्ट इन वुमेन, उसको भी आप देख सकते हो, फाइन। चलो, इतनी चीजें तो आप जरूर 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 देखनी पड़ेगी, बाकी यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।